जिला गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी का काम किया करते थे। पुलिस लगातार वाहन चोरी को रोकने के लिए वाहन चोरों की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को सफेद रंग के बिना नंबर के गाड़ी आती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पूछताछ में साथियों के बारे में बताया और चोरी की गाड़ियां बरामद कराई। पूछताछ के दौरान रौनक और जमशेद ने अपने दोनों साथियों को पकड़वाया और मौके से एक भागने में सफल रहा। पुलिस ने इनके पास से 9 चार पहिया वाहन बरामद किए। जमशेद उर्फ बोना छोटे कद का होने के कारण गाड़ियों के पीछे का शीशा तोड़कर उनके अंदर आसानी से घुस जाता था और फिर उन्हें चुरा लेता था। ये हमारा जो रूटीन चेकिंग है एसएसपी सर के आदेश के क्रम में, तो कल हमारी टीम जो है लोनी पुलिस टीम ये बंथला फ्लाईओवर के पास चेकिंग कर रही थी, तो बंथला फ्लाईओवर के पास से पीला मोड़ की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी सफ़ेद रंग की बिना नंबर की आ रही थी, तो चेकिंग के लिए वो संदिग्ध प्रतीत हुए, उनको रोका गया। चेकिंग के दौरान उसमें से दो लोगों से पूछताछ की गई सख्ती से, जिन्होंने अपना नाम रौनक अली उर्फ यूसुफ बताया और एक जमशेद उर्फ बौना छोटा था। इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब ये गाड़ी हमारी चोरी की है स्विफ्ट, और इस तरीके से हमारा एक चोरी का गिरोह है जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन लोगों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने कुछ गाड़ियाँ निठौरा रोड के गड्ढों में छुपा कर रखी है। वहाँ जब हमारी टीम पहुँची तो एक गाड़ी में सफ़ेद रंग की दो और अभियुक्त उसमें बैठे बातें कर रहे थे, जिनके नाम ताज मोहम्मद और मोहम्मद याकूब है।